अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन योर ऑनलाइन सोशल स्टडीज क्लास. स्टूडेंट्स, होप यू ऑल हैव मेमोराइज्ड योर लेसन नंबर 15. टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज लेसन नंबर 17. ओपन योर फेयर कॉपीज. लेसन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट अबाउट? क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान. एंड द फ्लैग ऑफ एनी कंट्री इज इट्स नेशनल आइडेंटिटी. ओके, लेट्स रीड द आंसर. द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज अ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी फॉर इट्स पीपल एंड द वर्ल्ड. It is designed to represent our nation. The green part represents the Muslim majority. And the white part represents the minorities. The crescent is a symbol of Islamic identity. The star denotes progress. Okay, dear students, let's read the answer again. The flag of Pakistan is a symbol of national identity for its people and the world. It is designed to represent our nation. The green part represents the Muslim majority and the white part represents the minorities. हमारे नेशनल फ्लैग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारे नेशन को. हमारे फ्लैग का जो डिज़ाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी पाकिस्तानी कौम को. ग्रीन पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम मेजॉरिटी. ग्रीन पार्ट हमारे फ्लैग में ज़्यादा है, सब्ज हिस्सा हमारे फ्लैग में ज़्यादा है. वो किसको शो करता है? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मुस्लिम मेजॉरिटी को. ठीक है. एंड द वाइट पार्ट रिप्रेजेंट्स द माइनॉरिटीज़. वाइट हिस्सा हमारे फ्लैग में कम है, वाइट पार्ट कम है, वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नॉन मुस्लिम्स को. ओके, द क्रीसेंट इज़ अ सिंबल ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी. क्रीसेंट क्या है? सिंबल है इस्लामिक आइडेंटिटी का. एंड द स्टार डिनोट्स प्रोग्रेस. डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. योर होमवर्क इज टू मेमोराइज द क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वेरी केयरफुली एंड आफ्टर मेमोराइजिंग इट यू हैव टू राइट इट इन योर रफ कॉपीज. ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.